हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी बीटेक कंप्यूटर क्लास से एमएस वर्ड के क्लास नंबर 11 में आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेट टैब, जो कि रिलेटेड है इंसर्ट मेनू से। जैसे हम इंसर्ट में से कोई पिक्चर या शेप्स या वर्ड आर्ट कुछ लेते हैं तो उसके चेंजेस करने के लिए फॉर्मेट मेनू आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले रही हूँ, इंसर्ट, ये पिक्चर आ गया। फिर जैसे ये पिक्चर सिलेक्ट होता है तो ये यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मेट हाईलाइट हो जाता है। अदरवाइज हम पिक्चर के बाहर रहेंगे तो यहाँ ऊपर में हम फॉर्मेट टैब नहीं देख सकते। तो ये इसका मतलब है कि हम इसी पे ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में से टेबल लिया था और डिज़ाइन और लेआउट टैब था, वैसे ही यहाँ पे इंसर्ट में से कोई पिक्चर शेप्स या टेक्स्ट लिखते हैं वर्ड आर्ट से तो उसके लिए ये फॉर्मेट मेनू है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसको डबल क्लिक करने से भी फॉर्मेट मेनू ऑन हो जाएगा, अदरवाइज आप सिंगल क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ये अपना पिक्चर सिलेक्ट है और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सब ऑप्शंस आते हैं। और फिर यहाँ पे कीप चेंज, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन से आपको जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे तो ये यहाँ से भी आप उसका शेप, शार्पनेस और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं ऐसे। कितना बढ़ाना है यहाँ पे देखना है ये ऐसे, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पे कलर्स है, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट, कुछ इफेक्ट्स दिए हुए पिक्चर के लिए, नॉइजी इफेक्ट ऐसे। और फिर यहाँ पे सपोज आपको ऐसे सर्कल में आपको पिक्चर चाहिए तो इसे ले सकते हो आप विद फ्रेम ये ऐसे। फिर उसी के रिलेटेड पिक्चर बॉर्डर जो है, हमने जो लिया है ब्लैक है तो जैसे उसको येलो करना है या रेड करना है तो इसे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पिक्चर बॉर्डर में सब ऑप्शंस भी है, जैसे उसका थिकनेस बढ़ाना है या फिर ये डैश आउटलाइन है ऐसे। फिर पिक्चर इफेक्ट में यहाँ पे ग्लो, शैडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट, जैसे रिफ्लेक्शन इफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। फिर यहाँ पे पिक्चर लेआउट दिया है, जैसे उसके ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकते हैं। फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे पोजीशन है, उसके लिए टेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में ऑप्शन है, ये थ्रू करेंगे या कोई भी करेंगे तो ये इजीली आप उसको मूव कर सकते हो। यहाँ पे रैंड कमांड करके मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ। सेंटर, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है अपना, और फिर डबल क्लिक करके यहाँ पे पोजीशन पे आएंगे तो हमें अपना पिक्चर का पोजीशन कैसे चाहिए यहाँ पे
ऐसे पता चलेगा, लेफ्ट राइट सेंटर मिडल मिडल सेंटर राइट सेंटर ऐसे, ये बॉटम ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो पिक्चर को। और टेक्स रैपिंग जैसे बिहाइंड टेक्स करना है तो ये उसके ऊपर भी टेक्स्ट आ जाएगा, ये बैकग्राउंड में आपका इमेज आ जाएगा। कंट्रोल जेड, फिर यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट टेक्स को, मैं टेक्स को डिलीट कर दिया। ये ब्रिंग फॉरवर्ड ये क्या है, इसके लिए मैं एक शेप लेती हूँ फिर से, और एक या कोई पिक्चर इसे इंसर्ट में गए। सपोज यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और फिर ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक ये यहाँ से अप्लाई होता है। जैसे सेंड बैक करेंगे तो ये पिक्चर के पीछे चला जाएगा, या तो ये पिक्चर सिलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन पैनल है, आपको यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है तो वो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। जैसे यहाँ पे आगे अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर, प्रॉपर सेंटर में आपको पिक्चर लेना है तो ये यहाँ से ले सकते हैं अलाइन में जाके, अलाइन राइट ऐसे। फिर यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन है, 90 डिग्री रोटेशन ऐसे, और ये फ्लिप जैसे उसका यहाँ राइट में फेस था तो ये लेफ्ट में हो गया, फ्लिप हो गया ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन है, पिक्चर को आपको क्रॉप करना है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ऐसे। जैसे क्रॉप ऑप्शन में नीचे है क्रॉप टू शेप, जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हुए उस हिसाब से आपको क्रॉप करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे लिया तो ये उसी शेप में आपका पिक्चर क्रॉप हो जाएगा। जैसे हमने पिक्चर पे फॉर्मेट का यूज़ देखा वैसे ही शेप्स का भी है। जैसे यहाँ पे मैं शेप लेती हूँ कोई, ये लिया, जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है चेंज शेप, जो लिया हुआ शेप उसको चेंज करना है तो ये ऐसे वो उसमें चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए है ये। जैसे यहाँ पे इसके अंदर आपको कुछ लिखना है तो राइट माउस करके ऐड टेक्स करके लिखना है। ऐसे फिर यहाँ पे जो ये येलो डॉट है उससे आप शेप्स को थोड़ा चेंजेस ला सकते हो। फिर ये जो एरो आ रहा है दो साइड वाला उससे आप उसको रोटेट रिसाइज कर सकते हो, और ये रोटेट ऑप्शन है। फिर जैसे लाइन पे आते हैं यहाँ पे आउटलाइन पे तो प्लस आता है तो उसका मतलब है आप इस शेप को मूव कर सकते हो। इसके लिए ये जो व्हाइट स्क्वायर्स है उस वो रिसाइज के लिए है, ये येलो वाला पॉइंट जो है वो आपका शेप चेंज करने के लिए है, और यहाँ पे ऊपर जो गोल है उसको रोटेशन के लिए है, और यहाँ पे प्लस आता है तो ये मूव हो जाएगा। एक्चुअली ये माउस का लैंग्वेज अगर आप अच्छी तरह से सीखोगे तो ही आप ये शेप्स को अप्लाई कर पाओगे अच्छे से। फिर फॉर्मेट में आगे ये ऐसे चेंजेस इसमें ला सकते हैं। फिर यहाँ पे शेप फिल है,
आपको शेप, जो शेप लिया है उसका कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट है, मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो आपको कलर चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे फिर इसके बाद ये आउटलाइन है, बॉर्डर का, बॉर्डर जो है उसके लिए आपको कौन सा कलर चाहिए, फिर यहाँ पे विड्थ कितना चाहिए, सेम जो हमने पिक्चर पे अप्लाई किया था वो शेप्स पे भी है, जैसे डॉटेड चाहिए। ये शेप्स में ये ऑप्शंस नहीं आते वर्ड आर्ट स्टाइल, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट पे ही आते, क्योंकि हम शेप्स में कुछ लिख पाते हैं पिक्चर्स पे नहीं लिख पाते, इसलिए जैसे ये बीटेक लिखा है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल कौन सा चाहिए आपको, ये वाइट लिया, फिर उसका बॉर्डर आपको कौन सा चाहिए, ब्लैक रेड, फिर यहाँ पे कुछ इफेक्ट है शैडो इफेक्ट ऐसे, और ये ट्रांसफॉर्म में ऐसे आपको कर्व करना है उसको तो ये कर सकते हो, सिलेक्ट करके यहाँ पे ये ऐसे। उसके बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल। फिर अलाइन टेक्स्ट आपको टॉप में चाहिए या फिर मिडल सेंटर में चाहिए, मिडल, यहाँ पे बॉटम ऐसे। उसके बाद ये पोजीशन सेम हमने जो पिक्चर्स पे देखा था टेक्स्ट का पोजीशन, आपको कहाँ पे चाहिए ये ऐसे। फिर ये ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे सपोज इसको सिलेक्ट थोड़ा बड़ा करती हूँ, और ये पिक्चर लिया, अगर पिक्चर को आगे लेना है तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आगे आ जाएगी अपनी, सेंड बैक मतलब पीछे, सेम वही ऑप्शंस है। डिलीट, जैसे इंसर्ट में से ये वर्ड आर्ट लेते हो ये टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ पे भी वही ऑप्शंस है जो पिक्चर और शेप में आते थे, तो इसे अप्लाई कर सकते हो, ग्रेडियंट ले सकते हैं, टेक्सचर ले सकते हैं ये ऐसे, ये बैकग्राउंड में टेक्सचर आएगा, शेप फिल और यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, शेप फिल मतलब ये जो हमने सिलेक्शन था हमारा वहाँ तक वो आएगा, यहाँ पे शेप फिल सपोज ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो ये नो फिल है। फिर यहाँ पे शेप आउटलाइन, सपोज ओनली बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, और ये शेप इफेक्ट जैसे पूरे शेप को आएगा ऐसे। फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर जो हमने टेक्स्ट लिया है उसको आएगा ये इफेक्ट्स, फिर ये शेप आउटलाइन, फिर यहाँ पे वही सेम अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स दिए हुए हैं ये ऐसे, ये ट्रांसफॉर्म में अलग अलग टाइप के शेप्स है ऐसे। फिर इसको और कर्व चाहिए तो ये आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट करती हूँ
ऐसे फिर सेम यहाँ पे सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट में पोजीशन कैसे चाहिए इसका, टॉप में ये टॉप सेंटर लेती हूँ और यहाँ पे रैप टेक्स्ट करूँगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में आएगा, जैसे बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आएगा, और ये जैसे हमें ये टेक्स्ट थोड़ा आगे लेके ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेट में इतने ही ऑप्शंस है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।